भाई सुनो, क्या ये सब क्या हो रहा है? शादी हो रही है, दिख नहीं रहा? अरे दिख रहा है, लेकिन इतनी गर्मी क्यों है? जिनका दिमाग गर्म होता है ना, उन्हें हर जगह गर्मी लगती है। तुम अपना मुंह बंद, छे प्यास लग रही है, पीने के लिए कुछ दो। क्या ये कोल्ड ड्रिंक? मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, पता है कोल्ड ड्रिंक में कितने कैलोरीज होते हैं? मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे कुछ हेल्दी चाहिए। जूस। जूस? मैं जूस सिर्फ घर पर पीता हूं, मैं घर के बाहर जूस नहीं पीता। कॉफी लो। मुझे पता था आप यही कहेंगे। पीजिए कॉफी। कॉफी? ये क्या है? तुम्हें पता नहीं कि मैं गर्म कॉफी सिर्फ सुबह को पीता हूँ, शाम को मैं कोल्ड कॉफी पीता हूँ, और यहाँ पर इतनी गर्मी है, मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए। कोल्ड कॉफी, गेट मी कोल्ड कॉफी। नॉट अ प्रॉब्लम, 10 मिनट में रहे। तब तक मुझे प्यास लग रही है, तुम यहाँ पर फूंक मार रही हो, तब तक के लिए मुझे पानी। देखो, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? अरे तुमने उस दूल्हे तरुण के साथ शादी क्यों नहीं की? अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली होती ना, कम से कम मैं तो बचा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। पाटिल चल जा अंदर, देख दूसरे मकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जा अंदर जल्दी। ए, और को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप कल सुबह आइएगा, आप अभी मत करिए कुछ भी, आप जाइए यहाँ से। कल सुबह आके आराम से किस बात का शोर हो रहा है? और ये पुलिस कौन है आप लोग? PMC हॉल तोड़ने आए हैं। अरे क्या ये सब? हमारे बेटे के अंदर शादी हो रही है और बाहर बीएमसी वाले खड़े? तुम मेरे बेटे की शादी का तमाशा बनाना चाहती हो? नहीं जी, वो डेट कल की थी, मैं तो खुद इनसे यही कह रही हूँ। सब... तुमने सोचा कि जब हॉल टूटने ही वाला है तो क्यों ना एक रिस्क लेके आखिरी शादी कर दी जाए, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए जाए? एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें इस शादी का। आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, हमारे हॉल से बड़ा नहीं है। और देखिए जी, ये कानूनी गलत है, आधी रात को आप हमारा हॉल नहीं तोड़ सकते इस तरीके से। वो हम नहीं जानते हैं, जो बात करना है कॉर्पोरेटर साहब से जाके बात करो। प्रज्ञा पुत्र, ये बीएमसी वाले आए अपना हॉल तोड़ने इस वक्त आधी रात को। तुम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। बीच रात को तुम बीएमसी, ये इलीगल है, अंदर किसी की शादी चल रही है। शादी तो मेरी भी होने वाली थी, पर अफसोस मुझे मेरा काम सिखाने की जरूरत है। मेरे पास स्पेशल ऑर्डर्स है इस हॉल को तोड़ने, और अगर तुम बीच में आए तो वो इलीगल होगा। इसे तुम्हें बाद में बात करो। हाँ कर लेंगे बात। चल अरे यादव, बीएमसी वाले हमारा हॉल तोड़ने, प्लीज प्लीज मदद कर दीजिए। आप मदद करेंगे तो जरूर कुछ हो जाए। फॉरगेट मैरिज हॉल, तुम्हें हमारी मैरिज याद, तुम्हें हमारे मैरिज का वचन याद, चौथा वचन तुम्हारी फैमिली अब मेरी जिम्मेदारी, तुम पर आने वाली हर मुसीबत को मैं अपने ऊपर लूं, याद रखना। हाँ गुड मेमोरी, क्योंकि मुझे याद नहीं। मुझे याद आकाश, मिस्टर कॉर्पोरेटर, सब आप ही करवा रहे होगा। देखो मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम इस अरोरा फैमिली की बड़ी बेटी के पति हो रहे, कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी हो ना तुम, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम मुझे कुछ समझाने या रोकने आए हो तो सोचना भी मत, मेरे पास इस हॉल को तोड़ने के लिए स्पेशल ऑर्डर्स है, समझा? तुम अपने काम पे ध्यान दो, मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। ना अब्बा, तुमने कुछ कहा? नहीं भाई। आंटी जी नमस्कार, आपने पहचाना हमें? अरे कमाल कर दिया आंटी, हमने हमें पहचाना नहीं,
खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं पहचाना तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ना आंटी है। वैसे एक बात बता दें आपको कि जो आज हम करने वाले हैं ना, आप हमें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि आज आप शादी करा रही है, वो भी इस वक्त। आई शपथ, हम बिल्कुल नहीं आते इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं आते। बहुत पहले आ गए। प्रज्ञा जी नमस्कार। वैसे हमें पता नहीं था कि आपके पति देव भी यहाँ पर हों। वैसे हम जानते हैं आप लोगों को सुन के ज्यादा खुशी तो नहीं होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वो हैं आपके फैमिली के, लेकिन हैं हमारे तरफ। अब बताओ यादव आंटी, हमें तो लगा था कि अगर वो यहाँ पे होगा तो हमें बहुत तकलीफ आने वाली है, पर कमाल है, वो तो खुद चाहता है कि आप लोगों का हॉल टूटे। तरस आता है आंटी आप लोगों को, आप लोगों की मदद कौन करेगा, आपके अपने अपना साथ छोड़ दिए। वैसे सच बताएं, अगर हमारी शादी बुलबुल से करा देते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम सब संभाल लेते। चल अरे यादव, बहुत काम है हमारे को, एक ही काम नहीं पड़ा है, चल। क्या कह रहा था अभी ने जो तुझसे कहा, जो उसने स्कॉर्पियो से कहा वो। ओ जी, हॉल के अंदर बीएमसी वाले घुस गए हॉल को तोड़ने के लिए, और वो लड़के वाले भी चले गए। जिसको जाना है जाने दे, इस समय मुझे प्रज्ञा से बात करना ज्यादा जरूरी, तू बीच में मत आ। मैं जानना चाहती हूँ प्रज्ञा की क्या सच है, क्यों अभी तुझसे ऐसे बात कर रहा था, ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? अब क्या बोल रही, इतनी टेंशन में मैंने तो ठीक से कुछ सुना भी नहीं। आप ठीक, तुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया ना, मैं तुझे बताती हूँ वो तुझे क्या बोल रहा था। उसने यही कहा कि शादी के समय जो चौथा वचन उसने लिया था ना, वो उसे याद नहीं है, नहीं मानता है वो उसे। उस कॉर्पोरेटर ने कहा कि वो खुद चाहता है कि हमारा हॉल टूट जाए, हमारी मदद नहीं करना चाहता वो। क्यों नहीं करना चाहता वो हमारी मदद? जब मैं अस्पताल में थी तब क्यों मदद कर रहा था वो? ऐसा क्या हो गया है जो इतनी बड़ी बात कह गया? देख, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तू मुझे बता दे। आप फिर वही बातें कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना सब कुछ ठीक है, अभी अभी हॉल को देखते हैं ना, पहले जाकर आप। नहीं, तुझे ऐसा लगता है ना, तो तू मेरी कसम खा, तेरी कसम खा कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल ठीक है, खा मेरी कसम। अभी ने जो तुझे कहा ना, उसे सुनकर मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना तेरी आंखों में डर देख कर मिला। क्यों मुझसे आके छुपा रही है? क्या हुआ? अब ये मत कहना कि पति पत्नी के आपस का मामला है, तू खुद सुलझा लेगी, क्योंकि अगर बात इतनी छोटी होती ना तो मैं तुझसे बार बार नहीं पूछती और अभी वैसे बात नहीं करता जैसे वो करके गई। क्या अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना, तो तेरी कसम मैं अभी जाकर अभी से पूछूंगी, उसकी दादी से पूछूंगी कि क्यों ले गई थी वो मेरी बेटी को अपने अभी से शादी कराने के लिए। मैं अभी जाकर अभी से पूछूंगी। मैं अब वहां नहीं जाएगी। तू नहीं चाहती ना मैं वहां जाऊं, तो मुझे सच बता देना प्रज्ञा। इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस घर में रहने की सिर्फ इजाजत दी गई है, हक नहीं, और कोई हक नहीं तुम्हारा, ना मुझ पर ना इस घर पर। मैं हर पल तुम्हें अपनी नफरत का एहसास दिलाता रहूंगा। यू आर नोबडी टू मी। तुम्हें मेरे घर और मेरी जिंदगी से जाना होगा,
तुमने मेरी दादी और मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।